नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो पे मैं उस वीडियो को लेके आया हूँ जिस वीडियो को आप सब जानना चाहते थे, यानी कि छह अभ्यास के बाद हम क्या करें, ऐसा सबके मन में विचार आ रहा था। तो छह अभ्यास के बाद हमें क्या करना चाहिए, उस वीडियो को मैं इस वीडियो पे डाल के लाया हूँ। तो अलंकार का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि अलंकार का प्रैक्टिस करेंगे करके, तो अलंकार का प्रैक्टिस किस तरीके से करना है उसको मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझ ना आए तो भी और समझ आए तो भी नीचे कमेंट करके मेरे को आप कोई बात पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों? चालू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और इस बार मैं बताने वाला हूँ, हम लोग छह अभ्यास पूरा कर चुके हैं और छह अभ्यास का प्रैक्टिस जिसका नहीं हुआ है वो लोग छह अभ्यास का प्रैक्टिस देखिए और अच्छे से पूरा कीजिए, क्योंकि सभी लोगों का एक ही प्रॉब्लम रहता है, खुद से गाना नहीं निकाल पाने का। तो मैंने यहाँ से काली एक से छह अभ्यास आपको करा दिया है, तो उन छह अभ्यासों को कीजिए। और छह अभ्यास करने के बाद अलंकार प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कीवर्ड सीखना स्टार्ट करते हैं या बेंजो पे आप लोग कोई सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि अलंकार अलंकार का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो हम अलंकार का प्रैक्टिस कैसे करते हैं? से हम अलंकार का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो कई लोग क्या है, अलंकार का प्रैक्टिस पहले से कर चुके हैं, तो उन लोग को मैं बताना चाहूंगा, अलंकार का प्रैक्टिस जिस हिसाब से किया जाता है, जिस रूल के साथ, जिस नियम के साथ किया जाता है, उसी नियम के साथ कीजिए तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, अलंकार का प्रैक्टिस करना है मतलब हाथ चलाने करके वो लोग बिना बोले ऐसे बजाते जाते हैं, बजाते जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हम खुद से गाना निकालना चाहते हैं तो हम अपने गले को भी हम कीबोर्ड के हिसाब से बनाएंगे तभी हम खुद से गाना निकाल पाएंगे। यानी कि हमको गाने को गुनगुनाना होगा सीखने के वक्त, उस गाने को गौर से सुनना होगा, उस गाने का वो मतलब जो निकल रहा है उसका धुन उसको हमको महसूस करना होगा, हमको जानना होगा, तभी हम खुद से गाना निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई गाना हम निकाल रहे हैं तो उस गाने को आकार पे लीजिए, कोई भी गाना हो उस गाने को आकार पे लीजिए। मैं आकार का प्रैक्टिस आपको पिछले वीडियो पे डाल दिया हूँ, आकार पे बनाइए। और जो सरगम हम यहाँ पे बजा रहे हैं, अलंकार जो कर रहे हैं, उसको आकार पे भी कीजिए। उसके बाद उस गीत को आकार बनाकर आप यहाँ पर बजाइए तो आपसे बजेगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर कोई गाना हम सीखना चाहते हैं, कोई गाना हम यहाँ पे बजाना चाहते हैं, तो उस गाने को सबसे ज्यादा सुनिए, बहुत सुनिए। अगर आपको कीबोर्ड को बजाने का या प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो गाना जिस तरह से चला है उस गाने को उसी राग पे गाइए, अपने गले को बनाइए, तभी तो भी आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, समझ जाइए। यानी कि आप अलंकार का प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं कीबोर्ड पे और अलंकार का प्रैक्टिस आप अपने गले पे कर रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है। और ज्यादा बेटर बात है कि आप अपने गले पे कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस राग पे वह गाना चला हुआ है उसी राग पे उस गाने को सेम टू सेम अपने गले पे कॉपी करेंगे तो हम ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है? तो कोई गाना है जैसे कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो उसको हम अपने गले पे पहले करते हैं। कैसे करेंगे? परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो उसका उतार चढ़ाव देखिए, यहाँ पे एक से मैं लेता हूँ, अब उसको आकार पे कर लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर अक्षर नहीं ढूंढेंगे कि परदेसी, ऐसे नहीं ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे आ, क्योंकि हम आकार बना लिया अब यहाँ पे, ठीक है?
तो चलिए आकार बना लिए, तो आकार को हम यहाँ पे बजाते हैं। पहले हम अपने गले को बनाए, उसके बाद यहाँ पे बजाएंगे। इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो कोई भी गाना आप लोग यहाँ पे बजाना चाह रहे हो, उस गाने को पहले तो हमको उस गाना याद रहना चाहिए, वह गाना हमको पूरा याद रहना चाहिए। उसको उसी राग पे गाइए जिस राग पे वह गाना बना हुआ है, ठीक है। अपने मुंह को गले को उस पे मिलाइए, गला जब मिल जाता है तब उसको आकार बनाइए, आकार बनाने के बाद यहाँ पर बजाइए, तब बजेगा, ठीक है। और अलंकार का प्रैक्टिस का वीडियो अब कंटिन्यू मैं डालता जाऊंगा, रोज वीडियो आएगा आप डेली अलंकार का, ठीक है। तो वीडियोस को फॉलो कीजिए। अलंकार के प्रैक्टिस के बाद भी अगर आपसे कोई गाना नहीं निकल रहा है तो उसके लिए भी हम कोई तरीका आपको बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि 6 अभ्यास आप लोग अगर अच्छा से करते हो, उसके बाद अलंकार हम लोग अच्छे से करते हैं, तो हम खुद से गाना निकालने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान में रखकर उसको कीजिए, ताकि हम एक अच्छा प्लेयर बन सके। तो वही बात है दोस्तों, यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था कि कई लोग अलंकार का प्रैक्टिस पहले से कर चुके हैं फिर भी उनसे गाना नहीं निकल रहा है, तो वो लोग सोचेंगे कि हम अलंकार पहले से कर चुके हैं लेकिन हमसे गाना नहीं निकल रहा है, हम अलंकार फिर क्यों करें। तो मैं आपको यहाँ पे अलंकार जो करके दिखाऊंगा, हर एक अलंकार पे जैसे जैसे मैं अलंकार बताता जाऊंगा उस अलंकार पे मैं आपको गाना भी बताता जाऊंगा कि ये अलंकार पे ये गाना निकल सकता है करके, ठीक है। तो हर अलंकार पे कोई ना कोई गाना यहाँ पे फिट हुआ रहता है, इसीलिए हम अलंकार का प्रैक्टिस करते हैं। अलंकार का प्रैक्टिस करते करते हमारा गला भी बनता जाता है, प्लस हमारा हाथ यहाँ पे चलता जाता है, और उसी अलंकार पे हम आगे जाके गाना भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, अलंकार का प्रैक्टिस हमको करना ही है। अगर आप लोग कर चुके हो और आपसे गाना नहीं करा है तो भी आप अलंकार का प्रैक्टिस कीजिए। एक चार्ट बना के रखेंगे हम लोग, उस चार्ट को देख देख कर हम अलंकार का प्रैक्टिस करेंगे। अलंकार का प्रैक्टिस जब हम पूरा कम्प्लीट कर लेंगे तब हम उस अलंकार पे जो अलंकार हम लोग किए हुए हैं उसी अलंकार पे हम गाना निकालते जाएंगे, तो हमको यह तरीका सरल लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कोई गाना सुनने के बाद अगर आपको खुद महसूस हो जाएगा, अगर अलंकार का प्रैक्टिस हम लोग पूरा कर लिए रहेंगे, कोई भी गाना आप लोग सुनोगे आपको पता चल जाएगा कि यह ऐसे वाले अलंकार पे बजाय करके फिर आप आसानी से उसको बजा डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था, जब तक हम खुद से गाना निकालना नहीं स्टार्ट कर लेते तब तक हम राग थाट को ध्यान पे नहीं रखेंगे। तो राग थाट को बाद में आप जानने की कोशिश करना, सबसे पहले आप फोकस करो यहाँ पे, यानी कि काली एक से अगर हम कोई गाना निकाल रहे हैं तो हमको वही गाना काली दो से भी निकालना है, काली तीन से भी, काली चार से भी, काली पांच से भी, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी गाना मतलब बॉलीवुड में हो या छॉलीवुड में हो, पांच काली यहाँ पे दिया रहता है, पांचों काली पे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस हमको कराया जाता है। YouTube पे हम जब भी वीडियो देखते हैं पांचों काली पे हमको प्रैक्टिस कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे बॉलीवुड और छॉलीवुड में ऐसे भी गाना है जो लोग यहाँ से बजे हैं, यानी कि वो लोग यहाँ पास को सा बनाकर बजाए हैं, यहाँ पास को सा बनाकर गाए हैं, तो इनके बारे में भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, ठीक है। तो हमको सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा स्केल है, यहाँ से सा, यहाँ से सा, यहाँ से सा, यहाँ से सा बनाकर हमको हर एक स्केल से सा तक हमको बजाना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा कि सा से सा तक कौन कौन से नोट लगते हैं, कन्फर्म होना चाहिए हमको, ठीक है, तभी हम अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। तो छह अभ्यास का वीडियोस मैं अपने वहां पे यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल के लोगो पे टच कर उस वीडियोस पे जा सकते हैं जो वीडियो मैंने छह अभ्यास के लिए डाले हैं। वहां पर जाने के बाद उन छह अभ्यास को करने के बाद आप अलंकार पे आइए, अलंकार को हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर कोई चीज आपको पता नहीं चल रहा है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस चीज के बारे में आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यहाँ से हम अब अलंकार का प्रैक्टिस चालू करेंगे। मैं कंटिन्यू अलंकार का प्रैक्टिस डालता जाऊंगा और उस अलंकार पे कौन सा गाना निकलेगा इसको भी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अलंकार प्रैक्टिस करने के फायदे क्या है। अलंकार प्रैक्टिस करने के फायदे यह है कि यहाँ पे हमारा उंगली तेज चलना चालू हो जाता है, हमारा गला में हमारे स्वर का उतार चढ़ाव का पता चल जाता है, ठीक है।
क्योंकि हम अलंकार को आरोह में भी करते हैं और अवरोह में भी करते हैं, तो हमको पता चल जाता है उतार चढ़ाव। फिर हम जब कोई भी गाना यहाँ पे कीबोर्ड पे प्ले करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह गाना का उतार है तो हम उतारेंगे, चढ़ाव है तो हम चढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपने तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपका सहायता कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आता है तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कंटिन्यू आप अलंकार का प्रैक्टिस का वीडियो हम लोग डालते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।